तो यार आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू की फैंटास्टिक फोर के कुछ लीक्स एंड रूमर्स के बारे में। याद रखना, लीक्स एंड रूमर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करूं मैं फैंटास्टिक फोर मूवी के ओपनिंग सीन के बारे में। तो फैंटास्टिक फोर मूवी का ओपनिंग सीन 1960s में होगा, जिस टाइम कोल्ड वॉर उसके पीक पर थी। फिर हमको एक सीक्रेट लैब दिखाई जाएगी जिसमें रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म, बेन ग्रिम और कुछ साइंटिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स होंगे, और वो सभी लोग क्वांटम रियल्म से आने वाले एक मिस्टीरियस एनर्जी सिग्नल की जांच कर रहे होंगे, और इन सभी को गवर्नमेंट के द्वारा ये काम सौंपा गया होगा। नेक्स्ट बात करूं तो भाई एक और रूमर आ रहा है जिसके हिसाब से फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखाया जाएगा कि जॉनी, सुजैन, रीड और बेन केंग और उसके वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानने के लिए डिफरेंट टाइमलाइंस में ट्रेवल करेंगे। एंड जब उनको पता चलेगा कि केंग और उसके जो वेरिएंट्स है वो पूरी हिस्ट्री के अंदर जो मेन एंड बड़े इवेंट्स है उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर उनके अंदर हेयर फेयर कर रहे हैं। एक और रूमर है जिसके हिसाब से भाई फैंटास्टिक फोर मूवी में या फिर मूवी के एंडिंग के अंदर जो फैंटास्टिक फोर की जो पूरी पूरी टीम है वो मल्टीवर्स और जो अदर टाइमलाइंस है उनमें होने वाले खतरे को वॉर्न करने के लिए, और वो खतरा कोई और ना होकर केंग और उसके वेरिएंट्स ही होंगे। तो ये थे कुछ स्टोरी एंड प्लॉट से रिलेटेड भाई हमारी फैंटास्टिक फोर मूवी से रूमर्स, जो कि भाई मेरे को लगता है कि सच होंगे क्योंकि भाई केंग ये अभी चल रहा है मल्टीवर्स के अंदर और केंग से रिलेटेड ये मूवी होने वाली है। वैसे बता दूं भाई अभी कुछ लीक्स आ रही है जिनके हिसाब से जो हमारे स्ट्रेंजर थिंग्स वाले जोसेफ क्वीन है वो भाई इस मूवी के अंदर जॉनी स्टॉर्म यानी कि ह्यूमन टॉर्च का रोल निभा सकते हैं। साथ साथ हमारे जो वेनेसा के लिए भी है वो तो भाई सू स्टॉर्म के लिए कास्ट हो ही चुकी है, अब ये कंफर्म करना ही बाकी है। नेक्स्ट बात करूं तो भाई हमको जैक क्वेड भी इस मूवी के अंदर दिखने वाले हैं, लेकिन एज जॉनी स्टॉर्म नहीं दिखने वाले, कोई दूसरा कैरेक्टर वो प्ले करने वाले हैं। पहले ऐसे बोला जा रहा था कि भाई मतलब वो हमारे जॉनी स्टॉर्म को प्ले करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड आज की लास्ट एंड फाइनल बात की भाई इस मूवी का जो मेन विलन है वो गैलेक्टस होने वाला है। अब भाई एक ही मूवी के अंदर वो मतलब गैलेक्टस को किस तरह से सेटअप करेंगे और किस तरह से उसको मेन विलन बनाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ लीक्स आ रही है उनके हिसाब से भाई गैलेक्टस इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। क्या पता भाई ये गैलेक्टस को भी भाई केंग का एक वेरिएंट बना दे। तो ये थी कुछ लीक्स एंड रूमर्स हमारे फैंटास्टिक फोर मूवी के बारे में। बस ज्यादा कुछ था नहीं इस मूवी से रिलेटेड क्योंकि भाई अभी मूवी है अपने अर्ली प्रोग्रेस में है एंड अभी इसकी स्क्रिप्ट पर काम ही चल रहा है एंड उससे रिलेटेड ये कुछ रूमर्स बाहर आ रहे हैं हमारे सामने। तो भाई देखते हैं भाई कितने रूमर्स सच होते हैं और कितने रूमर्स है वो गलत साबित होते हैं। बाकी कल हमारे न्यू डीसीयू की भाई जो पहली मूवी है ब्लू बीटल वो रिलीज हो रही है एंड जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप भी भाई सुपर हीरो मूवीज के फैन हो तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि भाई ब्लू बीटल जाकर देखो, मूवी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और उसका रिव्यू देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, उसका रिव्यू भी मैं कल पोस्ट कर दूंगा। बाकी अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।